नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो मेरा आज का ब्लॉग रहने वाला है OCB की रिगार्डिंग, ऑयल सर्किट ब्रेकर के रिगार्डिंग। तो अभी मेरे सामने जो प्रॉब्लम आई है वो ऑयल सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, और मैंने रीसेट करने के लिए उसके हैंडल को यूज़ किया था तो उससे भी वो रीसेट नहीं हो रहा था। तो हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जुगाड़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है, धन्यवाद। जो वीडियो में आगे देखते हैं, लूसी का ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ऑयल सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म है, OCB शॉर्ट फॉर्म है। ये HT लाइन पे लगाया जाता है, मेन मीटर के बाद, जियो के बाद मेन मीटर की आउटपुट जाती है OCB में, OCB की आउटपुट जाती है BCB में, और BCB की आउटपुट जाती है ट्रांसफार्म में, ट्रांसफार्म की आउटपुट जाती है ACB में, ACB के बाद आप आगे सर्किट को जोड़ सकते हो। तो यहाँ इसके स्विचिंग दिए हुए हैं, ऊपर चार नंबर ये इसका हैंडल है, हैंडल के ऊपर 1 3 4 2 इस तरह से लिखा हुआ है। चार नंबर को डाल के इस वाले पोर्ट को ऊपर की तरफ करेंगे तो रीसेट होगा और एक नंबर से ये ऑन हो जाएगी। अगर आप अर्थ करना चाहते हो तब भी चार नंबर से ऑफ होगा और एक नंबर से ऑन होगा। अब ये लग नहीं रही है, मैंने ट्राई किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्राई करके। जैसे ही आपने चार नंबर को लिया और चार नंबर सपोज ऐसे किया तो ये देखिए ये रीसेट नहीं हो रही है और एक नंबर से ये लग नहीं रही है, ठीक है। और मैं इसको अगर ट्रिप भी कर रहा हूँ तो नहीं ट्रिप हो रही है। तो अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे बोल्ट दिए हुए हैं 18-19 के, अब इनको खोलिए, उसके बाद ये ढक्कन खुल जाएगा। जो इसके अंदर फ्यूज होते हैं, जो फ्यूज की जो ट्रे होती है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ये फ्यूज की ट्रे है जो ऑयल में डिप रहते हैं, स्पार्क अगर होता है तो ऑयल के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसे ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे, ये फ्यूज ट्रे को कर दी, तो इसको धीरे धीरे से आपने ट्रे को उठाना है। ये फ्यूज ट्रे है, हल्का आप इसको ऊपर करोगे तो ये बाहर आती रहेगी। ये फर्स्ट लॉक है इसका, सेकंड लॉक, उसके बाद आपने इसको रख देना है। अब आपको फ्यूज चेक करनी है तो मल्टीमीटर पे आपने कंटिन्यूटी लगा देना है, हमने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे लगा दिया। उसके बाद ये फ्यूज ओके है क्योंकि कंटिन्यूटी बोल रहा है, ये फ्यूज ओके है कंटिन्यूटी बोल रहा है, ये वाला फ्यूज अर्थ है क्योंकि ये कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा। और आपके पास मल्टीमीटर भी है फ्यूज को चेक करने के लिए, और दूसरा तरीका है आप फ्यूज को विजुअली देख के भी चेक कर सकते हो नजदीक ले गया। ये देखिए जब फ्यूज इसका शॉर्ट होता है तो इसके अंदर एक नुकीली कील होती है, और HRC फ्यूज होता है इसके अंदर एक गैस होती है। जैसे फ्यूज शॉर्ट होता है और गैस प्रेशर देती है, प्रेशर से ये फ्यूज फट जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसका पिन निकल जाता है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा, यहाँ पे बोल्ट दिए हुए हैं, आपने आराम से बोल्ट को खोल लेना है दोनों को। ये फ्यूज आपका ये देखिए ये शॉर्ट है, अब मैं इसमें नया फ्यूज लगाऊंगा। 30 एम्पीयर का नया फ्यूज है जो 11 KV पे लगता है, अब मैं इसको डाल रहा हूं। Thank you.
ये मैंने फ्यूज डाल दिया, अब कंटिन्यूटी से इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो तीनों फ्यूज मेरे ओके हैं। उसके बाद मैं ट्रे को धीरे धीरे ये लॉक को यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे, ट्रे को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और ट्रे ऑटोमेटिक नीचे चलेगी। नीचे चलेगी पूरी की पूरी, ऑयल में डिप होगी। उसके बाद आप धीरे धीरे से इसको लगा, बोल्ट को टाइट कर दो। अब ये ऑन हो गई, समझ में आया। तो यहां से ये ट्रिप हो गई है और यहाँ ऑफ कंडीशन में ऑफ आ जाता है। देख ले गया फोन, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा जब ये ट्रिप होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, चार नंबर हैंडल को लेना है, एक नंबर हो गए, ये ऑन हो गया और यहां पे देखिए ऑन आ जाएगा।